अच्छा, मैं सुकिबुजन गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने भी इमोलिन में इन्वेस्ट किया, तो अभी तक मुझे कोई अपडेट नहीं मिला या ये एप्स भी नहीं चल रहा है। पहले उन्होंने ये बोला कि हम तेरे पैसे, मेरा पैसे को 20 गुना ज़्यादा बढ़ा के देगा। अच्छा, तो कितने दिन में? वो विद इन 3 महीने में हमें रिटर्न करने का एश्योरेंस दिया था, लेकिन अभी तक मिला ही नहीं। अच्छा सर, तो इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी। कितना इन्वेस्ट किया? मैंने 3 लाख से ऐसे कुछ किया सर। तो जिसके पास इन्वेस्ट किया वो कहाँ है अभी? तो अभी लोग बोलते हैं, कोई बोलता है सिंगापुर में, कोई बोलता है जम्मू में। अच्छा, एग्जैक्टली मुझे, हम लोग को पता नहीं है कि कहाँ पे है। तो फोन पे संपर्क नहीं किया आपने? फोन पे काफी लोगों ने तो संपर्क किया, लेकिन वो लोग से बात भी हुआ, लेकिन वो इतना एश्योरेंस दे रहा है कि हम की प्रॉपर्टी देंगे सांबा ऐसे। आपको पहले ये कोई डाउट नहीं लगा क्योंकि कोई आपके पैसे को डबल करके? देखो, हमें आज तक सुना नहीं, जैसे हमारे गांव में बुजुर्ग है, लीगल और इलीगल हमने आज तक सुना ही नहीं है। कोई ठकने वाला भी होता है, हमने ये भी नहीं सुना। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मैटर में थोड़ा देखे और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में इसको जल्दी हम पैसा थोड़ा बहुत, इतना भी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जो हमने इन्वेस्ट किया वही हमें वापस मिल जाए, वही बहुत है। कितना टाइम हुआ आपको ये? तकरीबन अभी 2 साल से, तो एक साल। एक साल इससे पहले आपने कहीं पुलिस स्टेशन या कहीं कंप्लेन नहीं किया था इसके रिगार्डिंग? कंप्लेन किया था, लेकिन इतना मतलब वो नहीं हुआ इफेक्ट। तो हर जगह पे मतलब हम लोग के पास बहुत सारे इविडेंस है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन और कोई भी डिपार्टमेंट इसमें इन्वेस्टिगेट करना है, तो हम लोग के पास प्रूफ भी है। एडिशनल डीसी चेयरमैन है, तो हमने एक कमेटी स्टैब्लिश की है, दो तीन दिन के अंदर वो रिपोर्ट सारी आ जाएगी, उसके बेसिस पे पुलिस एक्शन होगा, FIR होगा। और अभी उनका क्या है कि वो घर पे शायद है नहीं, भागे हुए ना कहीं, तो उनका घर भी सीजर की कार्रवाई चल रही है, मतलब सील करने का। तो आई थिंक जो भी सूटेबल एक्शन है वो हम बहुत जल्द ले रहे हैं। अभी एक बार कमेटी की अगर रिपोर्ट आ जाएगी तो हमें फिर फैक्ट्स ज़्यादा अच्छे से पता चलेंगे, देन विल प्रोसीड फॉर क्रिमिनल केसेस एज वेल। सर, इसमें नियरली 1,283 लोगों का रजिस्टर्ड है कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया और अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ बन रहा है। तो जी, ये जब तक हुआ तो एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता नहीं चला सर कि इसमें कुछ पहले से? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को नो डाउट, सभी को मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को तभी पता चलता है जब लोग अपनी ग्रीवेंसेस लेके आते हैं। ठीक है, हमें प्रोएक्टिव रहना चाहिए, पर लोगों को भी उससे ज़्यादा प्रोएक्टिव रहना चाहिए कि टाइम टू टाइम पे गवर्नमेंट के वो मतलब मैसेजेस आते हैं कि आप ऐसे फ्रॉड केसेस में ना पड़ें। ठीक है, और लोग भी इन चीज़ों में फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से थोड़ा सा वो अवेयरनेस की कमी रही और हमारी तरफ से भी विजिलेंस जो रहा वो कमज़ोर रहा। पर आगे से ऐसा कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन जैसे हमें मेरी नॉलेज में आया वैसे हमने तुरंत एक्शन स्टार्ट कर दिया है और होप सो कि जल्दी ही उसको कंक्लूजन तक पहुँचाएंगे और जो भी मतलब इसके लिए जिम्मेदार होगा वो पकड़ा जाएगा 100%। अभी तक FIR वगैरह नहीं है सर? FIR देखिए, FIR के लिए मैंने कमेटी बनाई है जो ADC हेड कर रहे हैं, जब तक वो मुझे कल तक रिपोर्ट करेंगी पूरा कि एग्जैक्ट फैक्ट्स क्या है, उसके बेसिस पे तुरंत क्रिमिनल एक्शन हो जाएगा। मेरे पास प्राइमा फेसी जो भी चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से मेरे पास बहुत तगड़ी लिस्ट आई है, बड़ी सी लिस्ट आई है जिसमें 600-700 लोगों का एज ऑफ नाम है। और एक बार कमेटी जब रिपोर्ट करेगी तो मुझे एग्जैक्ट फैक्ट्स पता चल जाएंगे कि कितने लोगों का नुकसान हुआ है, कितने लोग को मतलब परेशानी हुई है, फिर उसके बाद ही हम आपको डिटेल्स शेयर कर पाएंगे। सर, जो एक बंदे का नाम लिया जा रहा है उसका प्रॉपर्टी वगैरह सील किया सर एडमिनिस्ट्रेशन ने? वो सिर्फ प्राइमरी तौर पर है, लेकिन सारा एक्शन तभी होगा जब एक बार कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग आ जाएगी रिपोर्ट और उसके बाद जब उसमें क्रिमिनल एक्शन शुरू हो जाएगा।